आकाशवाणी जम्मू जावेद चौधरी ते मोहम्मद मीना जुमते खबर सुनो। मरकजी सरकार ने फैसला लियो है जे हर साल 23 जनवरी ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म ध्याड़ो पराक्रम दिवस के तौर मनाया जाएगो। हिफाजती दस्ता ने सांबा ते राजौरी जिला में मशकूक नकलो हरकत के बाद घेराबंदी तलाशी कार्रवाई शुरू की है। कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई का सिलसिला में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। कौमी सतह पर सेहतियाबी की शरह 96.66% हो गई है और मुल्क में सजरा मामला में भी कमी दर्ज की गई है। तब भारत ने क्रिकेट मुकाबला का सिलसिला में ऑस्ट्रेलिया ना हरा गए 2-1 नाल जीत दर्ज की है। खबरें तफसील नाल पहला मोहम्मद मीना जुम। मरकजी हुकूमत ने फैसलो लियो है जे हर बरे 23 जनवरी ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म त्याड़ो पराक्रम दिवस के तौर मनाया जाएगो। वजारत सकाफत ने एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा है जे यो फैसलो नेताजी की कौम वास्ते बेलोस खिदमात ना याद करन और उन्होंने इज्जत देने की खातर लियो गयो है। वजारत ने कहा है जे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेमिसाल खिदमात ना उनका 105वां जन्म त्याड़ा का मौका पर पुरजोश तरीके नाल याद करें। सरकार ने फैसला लियो है जे नेताजी को 105वां जन्म त्याड़ो कौमी और बैन अल-कौमी सतह पर मुनासिब तरीके नाल मनायो जाएगो। इस सिलसिले में नेताजी ना खराज अकीदत पेश करता हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस तरह कहो, भारत की इस महान धरती ने कई सारे महापुरुषों को जन्म दिया है और उन महापुरुषों ने मानवता के लिए कुछ अद्भुत अविस्मरणीय कार्य किए हैं। हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है, ऐसे महापुरुषों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथाओं को बयां करने वाली बातें हमें इतिहास के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। सुभाष बाबू को हमेशा एक वीर सैनिक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। राजौरी कस्बा का कुछ नजदीकी ग्रायां में मशकूक नकल हरकत बारे सू मिलन के बाद हिफाजती दस्ता ने कुछ ग्रायां ना केरावा ले गए और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। कानी आबादी वाला ये ग्रां राजौरी कस्बा से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक है। SSP राजौरी ने ऑल इंडिया रेडियो को नुमाइंदा ना जानकारी देता वा क्यों है जो इलाका में कुछ मशकूक हरकत देखी गई थी, जिसके बाद केराबंदी करके हिफाजती दस्ता ने तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। जिला सांबा का कुछ इलाका में हिफाजती दस्ता ने उस वेले तलाशी कार्रवाई चलाई जब जिला में कुछ मशकूक सरगर्मियां को पतो लगो। मारा सांबा वाला नुमाइंदा सतपाल शर्मा ने रिपोर्ट तोड़ी है जो मुबैन तौर पर मशकूक नकलो हरकत को पतो लगन के बाद हिफाजती दस्ता ना चौकस कर दिते गयो और जिला का कुछ ग्रायां में तलाशी कार्रवाई चलाने को फैसला लियो गयो। इस सिलसिले में मजीद जानकारी देता वा उन्होंने इस तरह कहो। सांबा जिला के सरहदी इलाके सदो व बैंगलोर में सुरक्षा बलों द्वारा संदिग्ध हरकत देखने के बाद चलाए गए इस तलाशी अभियान में इलाके के लोगों से पूछताछ की गई तथा साथ ही इस इलाके में पड़ने वाले सुनसान व जंगलात नुमा क्षेत्र में भी पुलिस व SOG द्वारा चलाए गए इस तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों के हाथ कुछ नहीं लगा। सुबह करीब 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाए गए इस तलाशी अभियान में क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बरकरार रहा। बताते चले कि इस संदिग्ध हरकत में गुस्तैद की आशंका जताई जा रही थी। सांबा से भारत कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई का सिलसिला में लगातार आगे बढ़ रही है। मुल्क में सेहतयाब होने वाले अफराद की 16% में और बेहतरी आ गई है। मुल्क में इन सेहतयाब मामलों की तादाद 96.66% तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे के दौरान सजरा मामलों की तादाद में भी मजीद कमी दर्ज की गई है। मुल्क में कोविड 19 बीमारी के बल हो जाने वाले अफराद की तादाद में 17,400 और अफराद को इजाफा दर्ज किया गया। इसी तरह मुल्क में सेहतयाब हो जाने वाला और मुतरक मामला विचकार फासलो होर बढ़ गया है। तो इस तरह इस वेले सेहतयाब हो जाने वाला अफराद की तादाद मुतहरक मामला की तादाद का मुकाबला में 50 गुना वधी है। वजारत सेहत ने दस्सिया है कि इस महीने की 16 तारीख से शुरू होने वाली टीकाकारी मुहिम का सिलसिला में 25 रियासतों के मरकजी जेरी इंतजाम इलाका में COVID-19 टीकाकारी का 704 इजलास मुनक्द किया गया। तो इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम के तहत तीजे त्याड़े 1,48,266 मुस्तफीदा ना टीका लाया गया। नवी दिल्ली में अखबारी नुमाइंदा नाल गल करता वा सेहत बारे एडिशनल सैकटरी डॉक्टर मनोहर अग्नानी ने कहा जे 3 तिहाड़ा के दौरान कुल 3,81,305 मुस्तफीद अफराद ना टीका लाया गया है। जम्मू कश्मीर का हुनर तरक्यात महकमा ने अज
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू नाल एक मुहिदो कियो। मुहिदा वो मकसद तालब इल्मा का हुनर ते रोजगार ना बादो दिन थो। यो मुहिदो हुनर तरक्यात महकमा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून की मौजूदगी में तय पायो गयो। मस्कूरा मुहिदो हुनर तरक्यात महकमा का डायरेक्टर सज्जाद हसन गनाई ते डायरेक्टर IIT जम्मू प्रोफेसर मनोज एस गौर के पुरस्कार हुओ। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा जे इस मुहिदा का मकसद IIT ते IIT जम्मू पुरस्कार तालमेल बेहतर बनाना है ताजे बेरोजगारी को खत्म की जा सके। ये खबर तुम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। रामबन में महकमा बागबानी की तरफ एक फल नुमाइश और किसान मेला को इनकाद किया गया। इस नुमाइश और मेला को इफ्तिताह DC रामबन मसरत अल सलाम की तरफ किया गया। इफ्तिताही मौका पर जिला अफसर भी मौजूद था। मारा रामबन वाला नुमाइंदा ने रिपोर्ट तोरी है जी इस मौके पर बख बख किस्म का फलों की नुमाइश लाई गई ताकि किसानों में बेदारी पैदा की जा सके। मेला के दौरान DC मौसूफ ने कुछ फलदार बूटा भी तकसीम किया। मजीद खबर नाल आ रहे हैं जावेद चौधरी। भारत ने आज क्रिकेट का सिलसिला में एक तारीख खत्म करता हुआ ऑस्ट्रेलिया ने चौथा ते फाइनल टेस्ट मुकाबला में 3 विकेट नाल हरा दितो है। इस सिलसिले में 328 दौड़ों का हदफ वो पिछो करता हुआ भारत ने 2-1 नाल सीरीज अपने नाम कर ली। काबिले जिक्र है जे पिछला 32 बरां में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली बार हार है। मुकाबला के दौरान ऋषभ पंत ने शानदार 99 दौड़ बनाई तवे नॉट आउट रहा। इसी तरह शुभमान गिल ने 91 दौड़ जबकि चेतेश्वर उजारे ने 50 दौड़ बनाई। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट टीम की इस जीत वास्ते मुबारकबाद पेश की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की जीत वास्ते टीम ने मुबारकबाद कही तो कहो जो हालिया बरह में यह एक यादगार जीत है। गवर्नमेंट PG कॉलेज ब्राय खवातीन गांधीनगर जम्मू का रेड क्रॉस क्लब की तरफों आज गूगल मीट प्लेटफॉर्म के जरिए एक वेबिनार को इनकार किया गया। यो बेदारी प्रोग्राम मस्कूरा कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर संगीता नगरी की निगरानी में मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम के दौरान प्रिंसिपल मौसूफा ने मिलजुल कर काम करने और समाज में इंसानी कदरों की तरक्की वास्ते तलबात की हौसला अफजाई की है। भारत में मशरूम की खेती बल्ले बल्ले आमदन पैदा करने वाला एक मुतबादल जरिया गए तौर बद रही है। इस सिलसिला में GDC नौशहरा का बॉटनी शोभा की तरफों एक 3 रोजा वर्कशॉप को इनकार किया गया। यह वर्कशॉप 15 ते 18 जनवरी बाशमूल बिशकार मुनक्कद हुई। मजकूरा कारगा को इफ्तिताह कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया था। शुमाली भारत का अगला चंद त्यौहारों तक लगातार सर्दी की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात का सीनियर साइंसदान RK जिनामनी ने कहा कि इस सिलसिला में इस महीने की 22 तारीख तक खबरदार किया गया है। कश्मीर परमा घटो घट दर्जा हरारत नुकताए अंजमा ते कई डिग्री तले दर्ज किया गया ते खिता में सख्त सर्द लहर चल रही है। कई आबी जरिया बाशमूल मशहूर डल झील की सतह जम गई है जबकि श्रीनगर और वादी कश्मीर का दूजा हिस्सा की कई सड़कों पर बर्फ जम गई है जिसकी वजह नाल गड्डियां लारियों की आवाजाई में खुदल पई है। श्रीनगर शहर में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गयो। काबिले जिक्र है कि इस वेले वादी कश्मीर 40 रोजा सख्त ठंड चिले कलां ते गुजर रही है। चिले कलां 31 जनवरी ना खत्म वेगो। इसते बाद 20 रोजा चिले खुर्द आवेगो। मौसम का जानकार ने पेशनगोई की है जे अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर ते जम्मू में मौसम खुश्क रहेगा और कई जगह पर धुंध छाई रहेगी। दस्यो गयो है जे अगला 2 त्यौहारों में मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं आवेगी। वाजे रहे जे जम्मू में रात को दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गयो है जबकि दिन को दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस तक पुज गयो है। इतलात ते अवामी राबता बारे डायरेक्टर डॉक्टर सैयद सहरीश असगर ने कुछ होर अफसर ते महकमा का मुलाजमा के हमरा सहाफी ते वादी की आवाज़ का मुदीर आला गुलाम नबी शीदा की मौत पर ताजियत को इजहार किया है। वे मुख्तसर बीमारी ते बाद गई रात इंतकाल कर गया था। इस सिलसिले में एक मातमी मीटिंग के बाद डॉक्टर सैरिश ने मरहूम गुलाम नबी शीदा की खिदमत उजागर की। खबरों